बंदो ज्ञानानंद करी नेमी चंद गुण कंद, माधव वंदित विमल पद पुण्य पयो निधि नंद। ई विधि मंगल करन ते जग में मंगल होए, होते हो दंगल दूरी सब तम ज्यो भानु दो। गुणिस्तान विवेचन इसका विश्लेषण हम कर रहे हैं और उसके अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें जो उसकी भूमिका से संबंधित हैं उनको क्रमशः हमने देखा और समझा। कल जो चर्चा हुई थी वो गुणिस्थानों का विभाजन और गुरु अगुरु के अपेक्षा से, तीन पॉइंट ऑफ व्यू से चर्चा हुई थी। पहले नंबर कि हम लोगों को गुरु मतलब गुरु, इसको ऐसे समझे कि तीन प्रकार से गुणिस्थान का विभाजन किया था, ज्ञानी अज्ञानी की अपेक्षा से, फिर श्रावक की अपेक्षा से, और फिर किया था गुरु की अपेक्षा से। और वहां हमने एक बात समझी थी कि जैन धर्म में गुरुपना ऐसे ही नहीं आ जाता। जैन धर्म में गुरुपना तीन अवस्था में बताया गया है। एक तो छठे सातवें गुणस्थान वाले गुरु जो प्रमत्ता प्रमत्त है वो दशा में, दूसरे उसके ऊपर वाले श्रेणी चढ़ने वाले गुरु, और फिर आगे जो अपन कहें तो कौन से गुरु, परम गुरु। बराबर, ये तीन प्रकार के विभाजन हैं। अब मुद्दे की बात वहां ये आ रही है कि जो लोग ये कहते हैं गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता, उन लोगों को ये क्लियर करना चाहिए कि तुम कौन से गुरु की बात कर रहे हो। गुरु के नाम पर क्या कोई ऐसा कोई भी व्यक्ति हो जो गुरु की परिभाषा में नहीं आता हो उसे भी गुरु मान लिया जाएगा? विचारणीय प्रश्न। टोडरमल जी साहब मोक्ष मार्ग प्रकाशक में एक बहुत अच्छी बात कहते हैं, इस काल में हंस का सद्भाव नहीं है। हंस तो पता है ना, तो हंस का सद्भाव नहीं है तो हंस के असद्भाव में क्या कौए को हंस माना जा सकता है? है? नहीं, हंस का नाम है तो हंस तो होना ही चाहिए। अब सीधा सीधा हंस ना मिले तो कौए को हंस मान लो, क्या कौए को हंस माना जा सकता है? क्योंकि हंस का तो एक गुणधर्म है। कैसा गुणधर्म है कि जो जो क्या करे, कि बोले जो दूध नीर क्षीर विवेक को अलग करे वो हंस होता है, और उस गुणधर्म से जो भी रहित है उसे हम हंस कैसे मानते? इतनी सी बात है, इसी को लोग मुनि का विरोध समझते। समझ में आया? इसी को लोग क्या समझते हैं, मुनि का विरोध, कि आप मुनि को नहीं मानते, आप गुरु को नहीं मानते। अरे भैया, हम गुरु को मानते, पूरा पूरा मानते, और हम ये भी मानते हैं कि जो गुरु का पद है वो इतना ऊंचा होता है कि हर किसी को गुरु बोला नहीं जा सकता। ये बात यहाँ पर कही। ठीक है, तो जरा इसको हमने पढ़ा था कि छठे सातवें गुणस्थान वाले प्रमत्त प्रमत्त गुरु होते, फिर अप्रमत्त गुरु कौन कहलाते, सातवें सातिशय अप्रमत्त से लेकर 12वें गुणिस्थान तक वाले जो मुनिराज हैं वो कहलाते 12वें गुणिस्थ वो अप्रमत्त गुरु। फिर आती है बात कौन सी, परम गुरु। बहुत सारे लोगों के पता ही नहीं है कि हम अरहंत को भी गुरु कहते हैं। हमें ये लगता है भगवान तो भगवान होते हैं, भगवान गुरु नहीं होते, गुरु भगवान नहीं होते। देखो, ये जैन धर्म में भैया यह शायद बात है, एक अपेक्षा से भगवान भगवान है और एक अपेक्षा से
भगवान गुरु भी हैं, दोनों अपेक्षा है। क्या बोला? एक अपेक्षा से कौन है? भगवान भगवान है। और एक अपेक्षा से कैसे हैं? भगवान गुरु भी। जब हम 16 कारण पूजन करते हैं, सबसे प्रसिद्ध एग्जाम्पल इसका 16 कारण पूजन। 16 कारण पूजन में क्या लिखा याद है? आपको याद होगा जिज्ञासा में, आपको ये पूजन हिम्मत नगर में है ना, तो पूजन ज्यादा करते हैं। हाँ बोलो, म्यूट करके बोलो। जय जय नाथ परम गुरु हो। जय जय नाथ दर्शन परम गुरु, याद है? हाँ विष्णु भावना हाँ भाई, दर्शन भावना भाई, दर्शन 16 तीर्थंकर पद भाई, परम गुरु भावना भाई, पची सोलह सोलह तीर्थंकर तीर्थंकर पद पद भाए परम भाई, परम गुरु गुरु। हो। जय नाथ जय परम नाथ परम परम गुरु हो, गुरु। हाँ बराबर। अब यहां पर परम गुरु किसको बोला? यहां पर परम गुरु 13वें गुण स्थान वालों। क्यों? क्योंकि वहां बोला है तीर्थंकर 16 कारण भाए तीर्थंकर जे भय, और हर से इंद्र अपार मेरु पर ले गए। 16 कारण भावनाओं को भाकर जो तीर्थंकर हुए थे उनको इंद्र सुमेरु पर्वत पर लेकर गए थे। वो परम गुरु है। वो कौन है? परम गुरु। ठीक है ना? तो शायदवाद की अपेक्षा से मुनिराज को भी गुरु कहते हैं, और सिखाने वाले परम गुरु तीर्थंकर भगवान को भी गुरु कहते हैं। ठीक है ना? चलो अब आप आगे पढ़ो। श्रेणी की अपेक्षा से वर्गीकरण। कौन पढ़ेगा? जिज्ञासा में आप ही पढ़ो। चलो दिखाई से ना, हाँ, हमारी पास हिंदी बुक तो आमा गुजराती माथी बाचू। हाँ से, दिखाई ना। हाँ वो श्रेणी नी अपेक्षा है, भेद हाँ श्रेणी बे प्रकार नी छे, उत्तम हाँ श्रेणी अने शापक श्रेणी। बहुत हवे सरस। शापक श्रेणी ना भेद, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, सूक्ष्म सांप्राय, उपशांत मोह, आ चार गुणस्थान छे। उपशमक मुनिराज चारित्र मोहनियों उपशम करे छे, अने उपशांत मोह गुणस्थान थी नियम थी नीचे पड़े छे। बहुत सारे। छपक श्रेणी। सपक श्रेणी ना अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, सूक्ष्म सांप्राय, क्षीण मोह, आ चार गुणस्थान छे। शपक मुनिराज चारित्र मोहनियनो नियम थी क्षय करीने केवड़ी भगवान थई सिद्ध थई जाय छे। बहुत सारे। એટલે બે પ્રકારની સીડીઓ છે। શ્રેણી એટલે ઉપર જવાના રસ્તા। એક હોય છે ઉપશમ શ્રેણી અને એક હોય છે છપક શ્રેણી। ઉપશમ શ્રેણી કોને કહેવાય? બોલે જે 8માં 9માં 10માં અને પાછું 11માં ગુરુસ્થાનમાં જઈને નિયમથી પડે છે। કેમ આવું થાય છે? આ બધી વિગત તમને 11માં ગુરુસ્થાનમાં જાણવા મળશે। તો જે ચડીને પડે એ કહેવાય ઉપશમ શ્રેણી, અને જે ચડીને ક્યારે ના પડે બલ્કિ ઉપર એટલે 12માં 13માં ગુણસ્થાન સુધી પહોંચી જાય એ કહેવાય છે છપક શ્રેણી। ક્ષય કરીને આગળ વધે। આપણે આ વસ્તુ વિચારવા જેવી છે કે જે જે વસ્તુ આપણે ગણીએ છીએ દબાઈને રાખી દબ જે જે વસ્તુને દબાઈને રાખશો એ ક્યારે તો ઉભરકો આપશે જ। મોક્ષ માર્ગમાં પણ જે કષાયોને દબાઈને આગળ વધ્યા એ પડ્યા, અને જે શરૂઆતથી જ મૂળથી સમાધાન કરીને આગળ વધ્યા એમની ગાડી ક્યારે પડતી નથી। આપણા ત્યાં સમાજમાં ઘણા લોકો એમ કે કે તમે તો કેવી આવી ધર્મ, એવો કેવો ધર્મ કરો છો, વર્ષો સુધી એ સ્વાધ્યાય આગળ વધતા જ નથી, આગળ વધતા જ નથી। તો
એ લોકોને હું એમ કહેવા માંગુ છું કે ભાઈ વસ્તુને જરા સમજો, આગળ વધવું એટલે શું? પાછળ પડવા માટે આગળ વધવું કે ઊભા રહેવા માટે આગળ વધવું? પડવા માટે નહીં. અને જ્યાં સુધી અમને એમ લાગે કે અમારું તત્વ વિચાર હજી કાચો છે અને એમાં આગળ વધવાની એવી દશા નહીં આવી, અને પવિત્રતા વગર, પાત્રતા વગર સો કોલ્ડ આગળ વધવાનું કરી પણ લીધું, તો પાછળ પડીશું. ખ્યાલમાં આવે છે કે નહીં? કેમ કે આ આપ જ્યાં સુધી અંદરથી, અને તત્વ વિચારનો માર્ગ કેવો છે? સ્લો છે પણ સ્ટડી છે, બરાબર? કે ધીમો ધીમો લાગશે કદાચ, ધીરે ધીરે લગેગા, લેકિન રહેગા કેસા? પક્કા. જો તત્વ વિચાર કરતે હુએ મોક્ષ માર્ગ મેં આગે બઢતા હૈ, વો જીવ મોક્ષ માર્ગ સે કભી નહીં પડતા હૈ. ઓર જિસને તત્વ વિચાર નહીં કિયા ઓર માત્ર બાહરી ક્રિયાઓ સે આગળ બઢા, વો જીવ કભી ભી પડ જાયેગા. ક્યું? સમાધાન તો હુઆ નહીં. કિસી ને દેખા, ઇસને યે નિયમ લિયા, ઉસને વો નિયમ લે લિયા. કિસી ને બોલા કે યે કામ કર લો, ઉસને વો કર લિયા. કભી ઇસ ટોલે મેં શામિલ હો ગયા, કભી ઉસ ટોલે મેં શામિલ હો ગયા. લેકિન અંદર મેં જો કષાયો કા ચલ રહા હૈ ભયંકર, ઉસકા ક્યા? ઇસીલિયે હે ના, તો ઇસકો થોડા વિચારતે હુએ ચલના, આગે ચલતે હૈ. તો હંમેશા લક્ષ્ય ક્ષય કા રખ, ક્ષય હો યા ના હો વો અલગ બાત, સમજે? ક્ષય હો યા ના હો વો અલગ બાત હૈ, લેકિન અપના અભિપ્રાય હંમેશા કેસા હોના ચાહીએ? ક્ષય કે પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ સે હી હોના ચાહીએ કે ભાઈ ઇસે મુજે તત્વ જ્ઞાન કે દ્વારા પૂરી તરીકે સે કમ્પ્લીટ સોલ્યુશન કરના હૈ, સમજે? આધા અધૂરા નહીં, કચ્ચા પક્કા નહીં. ઉતાવળ મેં આપકો લગ રહી હૈ કે ભાઈ બહાર કી એક્ટિવિટી સે જલ્દી કામ હો જાયેગા, જલ્દી કામ હો જાયેગા, નહીં, યે ભારી પડેગા. પૂરા સમાધાન કરો, સમય લગે તો ભી પૂરા સમય દો, લેકિન અંદર સે કે ના, ઉતાવળ મેં અગર કચ્ચા ઘડા આપને બહાર નિકાલ લિયા, ઉતાવળ મેં જૈસે આપકો પતા હૈ ના કે માટલે કો જબ હમ તાપ દેતે હૈ તભી વો પાણી રખને કે યોગ્ય હોતા હૈ ના, કે નહીં પતા? અબ આપકો હે કે નહીં, નહીં સાહેબ જલ્દબાજી હૈ, જલ્દબાજી, એક કામ કરો, આધા અધૂરા પક્કા હો, ઉસ મટકે કો બહાર નિકાલ, ક્યા હોગા? હે, જબ તક વહ મિટ્ટી અગ્નિ મેં પકેગી નહીં, તબ તક ઉસ મિટ્ટી મેં પાણી કો ધારણ કરને કી ક્ષમતા હી નહીં આઈ, ટૂટ જાયેગા. પાણી ડાલોગે, જરા સા ફોર્સ પડેગા, તલિયા અલગ હો જાય. થઈ જાય ને એકદમ. હા, ઇસીલિયે પકને દો. તત્વ વિચાર કી આંચ મેં જીવન કો થોડા પકને દો, મૂળ સે સમાધાન. વો ઘડા આપકો લંબે સમય તક, દો કચ્ચે ઘડે ઓર એક પક્કા ઘડા, લંબા કોણ ચલેગા બોલો? દો નહીં, 200 પક્કે કચ્ચે ઘડે ઓર એક પક્કા ઘડા, 200, એકની સામે 100, વિચાર કરો. વો એક ઘડા 1 સાલ નહીં, 2 સાલ નહીં, 10 સાલ ભી ચલ સકતા હૈ. ઓર કચ્ચા ઘડા એક બાર પાણી ભરોગે ફિર ક્રેક હો જાયેગા, દૂસરી બાર પાણી ભરોગે ફિર ક્રેક હો જાયેગા. વો પૂરે સેંકડો કચ્ચે ઘડે ભી એક પક્કે ઘડે કા મુકાબલા. ऐसे देखा सीखी में किया गया सैकड़ों बार तप, देखा सीखी में लिया गया सैकड़ों बार का लाभ, तत्व ज्ञान के द्वारा स्वीकारे गए एक तप के आगे कुछ नहीं. समझ में है? कारण क्यों पका हुआ है, उसमें क्षमता ज्यादा है, उसमें पोटेंशियल ज्यादा है, और वह अपने काम को बेहतरीन रूप से कर सकता है. ये बात यहां से ठीक है ना? तो उपशम और क्षय में ये बात आई. अगला पॉइंट पढ़िए.
प्रमत्व और अप्रमत्व की अपेक्षा। तथा अप्रमत्त भावनी अपेक्षाएं भेद मिथ्यात्व गुणस्थान थी लईने प्रमत संयत गुणस्थान सुधीना छ गुणस्थान वर्ती सर्व जीव नियम थी प्रमत भाव सहित छे। अप्रमत गुणस्थान थी लईने 14मा अयोग केवड़ी गुणस्थान सुधीना सर्वे 8 गुणस्थान वर्ती मुनिराज अप्रमत भाव सहित छे। जो समझे इन्हीं चर्चा तो हमने करके लिखी कि फ्रॉम 1 to 6 सारे जीव प्रमादी हैं बराबर, और फ्रॉम 7 to onwards सारे जीव अप्रमादी। मुझे केवल इतना बताना है कि पहले गुणस्थान का प्रमाद और छठे गुणस्थान का प्रमाद एक सा होता है कि अलग अलग। सोचो अलग कितना अलग, अलग कितना अलग अलग, अलग कितना अलग, थोड़ो अलग ज्यादा ज्यादा ज्यादा। नहीं, ये पहला गुणस्थान वालों मिथ्यात्व छे अने छठा गुणस्थान वालों नो सातमा प्रमाद केवो गुणस्थान भी होय, पेलो। हाँ मिथ्यात्व वाला नो प्रमाद केवो होय अने मुनियो नो प्रमाद केवो होय। हाँ मुनि जे शुद्ध उपयोग माथी शुभ उपयोग में आवे अने અને ત્યારે મિથ્યાત્વ શું તો કરે, બધું ત્યારે શું કરે, શાસ્ત્ર 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 લખવાનો લખો। વિકલ્પ આટલું સમજી રહ્યો હું તમને, લખવાનો ઘણી વખત કહું છું કે વિકલ્પ અમૃતચંદ્ર આચાર્યની આત્મખ્યાતિ પ્રમાદમાં લખાયેલી છે, અને આપણો જબ પુરુષાર્થ જાગે પ્રમાદ છૂટે ત્યારે સમયસાને આત્મખ્યાતિ વંચાય છે। એટલે આપણે પ્રમાદ છોડીને વાંચીએ છીએ અને પ્રમાદમાં આવીને લખીએ છીએ, ખબર પડે આટલું અંતર। એવો નહીં સમજવાનું કે આપણી અને મુનિવાજોની કેટેગરી બરાબર, તમે પ્રમત્ત ને અમે પ્રમત્ત, શું ફેર છે? હે, અરે બહુ ફેર છે ભાઈ। આવ તો ઘણી વખત નથી કહેતા કે કોઈ આમ કહેવાય કે ભિકારી માણસ હોય ને અને પૈસા વાળાને કહે તમે રોટલા ખાઓ ને હું રોટલા ખાઉં, શું ફેર છે? અરે તારા રોટલા હે અને મારા રોટલા, બરાબર છે, રોટલાની સમાનતા છે બરાબર છે, પણ શું આ બધી રીતે સમાનતા છે? હે, અમે તો તમારા જેવા હજારોને ખવડાવી દઈએ, તમે કોને ખવડાવશો, તમે તો માંગીને ખાઓ એમ। હમારા જો મિથ્યાત્વ ગુણસ્થાન મેં પ્રમાદ હૈ, યે તૂફાની હોતા હૈ। तूफानी होता मतलब कैसा? चार कषाय में बढ़ाने वाला, पांच पापों में लगाने वाला, विकता कराने वाला बराबर, नींद वाला, और परिवार आदि में राग वाला, ऐसा प्रमाद होता है। और मुनिराज का प्रमाद कैसा होता है कि कुछ भी नहीं होता, मात्र और मात्र जिसे अपन कहे ना कि शुद्धोपयोग से हटकर प्रमाद की दशा में आएंगे तो शास्त्र अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे, बोलेंगे, जिनवाणी की बात सुनाएंगे, तीर्थों की वंदना करेंगे, धर्म का विचार करेंगे, ऐसा प्रमाद होता है। 28 मुनियों का पालन करें, मुनियों की चर्या देखकर इस दुनिया का कोई माई का लाल ऐसा नहीं कह सकता कि दिगंबर मुनि प्रमादी हो सकते। बोलो। अरे पूरे जीवन में हजारों किलोमीटर की पदयात्रा करने वाले, पूरे जीवन में नंगे पैर घूमने वाले हैं, नग्न शरीर को लेकर घूमने वाले, सर्दी गर्मी को सहन करने वाले, परिग्रह आरंभ से रहित, कौन माने ये प्रमादी? कौन माई का लाल कह सकता है ये नग्न दिगंबर चलने वाले प्रमादी हैं? 2 डिग्री ठंडी हो, 3 डिग्री ठंडी हो, और तो भी दिगंबर रहने वाले प्रमादी? क्योंकि तुम्हारी आंखें चेक करो भैया, उन्हें प्रमादी नहीं कहते। बात सही है, मुनियों को प्रमादी कहने का हक मुनियों को ही है, हमें नहीं। समझे? हम तो उनके प्रमाद का लाभ ले रहे,
समझे ना। इसको ऐसा समझो कि अभी मैं शॉपिंग के लिए रतनपुल गया था, बराबर ना। अभी तो रतनपुल के आगे शायद एक वो शेरडी के रस की दुकान है। अब वो शेरडी के रस की दुकान है तो शेरडी में रस अपन ने ले लिया, और फिर वो छिलका होता है ना, रस निकालने के बाद बचा हुआ छिलका। अब दो तीन गाय लड़ रही किसके लिए, किसके लिए, उस छिलके को खाने के। एक आदमी डंडा लेकर खड़ा है कि गाय मुंह ना मार के चले। अब जो छिलका हमारे लिए नीरस है, गाय के लिए तो वो सर्वरस से भरा हुआ है। हम जिसे छोड़ देते हैं उसे वो ऐसे खाने के लिए लड़ रहे, खाने के लिए झगड़ा कर रहे, डंडे सहन कर रहे, गलत नहीं कर रहे। घास के आगे शेरडी के रस के छिलके में मिठास बहुत ज्यादा, बस यही बात है। मुनिराज ने रस रस ले लिया सातवें गुणिस्थान में, और छठे गुणिस्थान में रस लेने के बाद जो छिलके बचे वो शास्त्रों के रूप में, प्रवचनों के रूप में छोड़ दिए, और हम जैसे पशु क्या कर रहे हैं, अभी उसको खा खा कर अपनी क्षुधा तृषा मिटा रहे। क्योंकि हमें तो घास फूस मिल रही, हमें तो जगत में कहीं मिठास ही नहीं मिल रही। ये थोड़ी बहुत जिनवाणी सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं तो क्या होता है, ये थोड़ी तत्व ज्ञान की मिठास मिलती, नहीं तो कहां से मिलती। बराबर ख्याल में आया कि नहीं आया, ये चीज को थोड़ा विचारिए। तो मुनिराज को हमें छठवे गुणस्थान वाले को प्रमादी कह रहे हैं, लेकिन हमें किस अपेक्षा से प्रमादी कह रहे हैं वो मान के चलना चाहिए, है ना। एक सेकंड का जरा मुझे स्टॉप करना पड़ेगा।